भारत का एक प्राचीन वंश जो भार सुनाग कहलाता था, जो भार सुनाग कहलाता था, सुढ़ीन को कंधे पर रख कर वो भार कह बन जाता था, सुढ़ीन को कंधे पर रख कर। अरे भार सिंह राज भर छत्री के गुरु हर्षु ब्रह्म कहलाए थे, गुरु हर्षु ब्रह्म कहलाए थे, गंगा के तट पर अश्वमेध कर काशी धाम बनाए थे। भार वहन करने के कारण भार सुनाम तुम्हारा है, ऐसे वंशज की संस्कृत को सत सत नमन हमारा है, ऐसे भार सिंह जी को सत सत नमन हमारा है। और ये भार सिंह के जो बच्चे हैं इनके लिए मैं दो चार लाइन कहना चाहता हूँ। अरे भार सिंह अमर सपूतों की देना कुर्बानी आदत है। ये जो भार सिंह के बच्चे हैं, ये भार सिंह को जीवित रखने के लिए कुशाण वंश के बाद गुप्तगंज से पहले जितना ये समय था वो हमारे राजाओं महाराजाओं का समय था, भारतीयों का समय था, जैसा थोड़ा बहुत उनकी जानकारी है। तो उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि भारसु के अमर सपूतों की अरे देना कुर्बानी आदत है, और सावन के घटाओं को देखो बरसाना ही पानी आदत है, सावन की घटाओं को देखो बरसाना ही पानी आदत है। भगवान बुद्ध में खो जाना भंतों की दीवानी आदत है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। आदत होती है मोरों की, जो सांप को ढूंढा करते हैं, हमारे नागों से नागों को ढूंढा करते हैं, चोरी से बाज नहीं आते, जो चोर का दर्जा रखते हैं, परवाने चल के खाक हुए, जो समा को चाह करते हैं, परवाने चल के खाक हुए, जो समा को चाह करते हैं, और दौलत खोरों की आदत है, दौलत पे जो अक्सर मरते हैं, दौलत खोरों की आदत है, दौलत पे जो अक्सर मरते हैं। अरे मोहताज गरीबों को देखो, ये सारे बच्चे में भाग चुके, ये जितने लोग हैं, चाहे 25 जितनी इनकी टोली है, ये गांव गांव में जा करके ये जो सेवा का काम करेंगे, ये उनके इलाज का काम करेंगे, उनको किताब बांटने का काम करेंगे, उनको काम बांटने का काम करेंगे, तो भारत का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो गरीब मोहताज गरीबों को देखो गलती से उठानी आदत है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, भारसियों के अरे नौजवानों को देना कुर्बानी आदत है। ऐसा क्यों साथियों, जल जाइए, लगा दिए जोला, फिर से ताली पे अपनी बात को अपने बहुत बताता हूं। साथियों सबके पास समान आंखें हैं, सभी के पास एक जैसी दृष्टि है, लेकिन देखने का नजरिया और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और हर संस्थान हमारे देखने का नजरिया, हमारे साथियों का नजरिया अलग अलग है, और हर क्षेत्र में जाकर के अपने इसी नजरिए से उस समाज दूसरों से समाज को शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए काम करता है, और आगे भी डॉक्टर यशवंत जी के साथ ये पूरी टीम हमेशा इसी तरीके से काम करते रहेगी, इसी दृष्टिकोण के साथ काम करते रहेगी कि अपने आने वाले समाज को खूब अच्छा जो जीवन हो सकता है फिर देगा। धन्यवाद साथियों।